हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 40 न्यू फ़ोन है, तो मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग को आप कैसे बंद कर सकते हैं और कैसे ऑफ़ कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग को मोटो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग को बंद कैसे कर पाएंगे और कैसे कर सकते हैं, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं आपके फ़ोन में, जिसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर पाएंगे। इसके लिए आपको जाना होगा इसमें से फ़ोन आइकन्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन आइकन्स आपके फ़ोन पे ओपन हो जाएगा, जिससे आप कॉल रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं, इनेबल भी यानी डिसेबल कर सकते हैं, बंद भी कर पाएंगे अपने फ़ोन में। जब रिकॉर्डिंग आप बंद करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सिंपली बस थ्री डॉट पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है और आपकी कॉल रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन में बंद हो जाएगी जब आप करना चाहें। इस तरीके से रिकॉर्डिंग सेटिंग्स पे जा सकते हैं और रिकॉर्डिंग को भी बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन में। जैसे रिकॉर्डिंग बंद करना चाहें तो आप कर पाएंगे। देख सकते हैं कि इस तरीके से ऑफ़ कर देंगे, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है आपके फ़ोन में ऑफ हो जाएगा, जो बंद हो जाएंगी और रिकॉर्डिंग शो नहीं करेगी। तो इस तरीके से भी कॉल रिकॉर्डिंग को आप बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ से कुछ इस तरीके से आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। अगर ऑन है आपकी रिकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट नंबर की, तो इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली बस आपको यहाँ से क्रॉस कर देना, और क्रॉस करती हुई आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है आपके फ़ोन में बंद हो जाएगी, जो आपके फ़ोन पर शो नहीं करेगी। तो इस तरीके से भी रिकॉर्डिंग को आप बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन में और ऑफ भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।